अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। मैंने पहले भी दाल चावल बनाए हैं, तो आज मैं दाल चावल बना रही हूँ, चने की दाल और माश की छिलके वाली दाल। तो ये चावलों के साथ बहुत अच्छा लगती है। तो ये 1.5 गिलास चावल है और 1 कप दाल चने की और 1 कप ही माश की दाल छिलके वाली। 2 लहसुन डालेंगे और ये मिर्चें होंगी इसमें ग्रीन वाली, और धनिया, और मसाले मैं आपके सामने डालूंगी, और टमाटर की जो मैंने बनाई हुई है पीस के टमाटर जो बनाए हैं वो डालूंगी, और ये ऑयल है। तो चलें शुरू करते हैं। ग्रीन दाल शुरू करती हूँ। सबसे पहले ऑयल डालूंगी थोड़ा सा। अब इसमें मैं डालूंगी ये लहसुन मोटा मोटा, इतना ब्राउन हो गया। अब इसमें मैं टमाटर डालूं, टमाटर मैंने डाल दिए। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चाइनीज नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून बल्कि 1/2 टीस्पून, ये देखें, सुर्ख मिर्च और थोड़ी सी 2 चुटकी काली मिर्च, और ये 1 भागे धनिया का, ठीक है, और नमक, और आधे जायका नमक, और ऑयल मैंने इतनी कम डाला है कि मैं आखिर में इसे दबा दूंगी, लहसुन का और देसी घी का। दाल डाली साथ ही पानी डालूंगी, बुनाई वगैरह नहीं करनी। ये सिंपल दाल है, ये नहीं कि इसमें अदरक भी नहीं डलती, बस इसको बुनाई भी नहीं करना। तो इस दाल में मैं पानी डाल रही हूँ इतना कि जिसमें ये गल जाए, और ये दाल शोरबे वाली होती है, ज़रा पतला पानी होता है इसका, बहुत टेस्टी होती है, और इसी के ना आप ये चावल खाए जाते हैं। नाज़रीन, उधर हमारी दाल तैयार हो रही है और इधर हमने चावल, इसमें मैंने तड़का लगा दिया था जैसे घी की 1 चम्मच, जो मैं तरीका होता है। ये तो चावल तैयार हो गए। प्रेशर कुकर की सीटी जब चलेगी तो फिर मुझे 10 मिनट इस पर पकाने में लगेगी। तीन दाल चेक करते हैं, देखिए बहुत अच्छी देखे, बड़े से मैं इसमें धनिया और ये चीज़ें डालती हूँ, फिर इसमें आखिर में मैं इसमें वो डालूँगी तड़के का, देसी तड़का। अभी इसमें थोड़ी सी धनिया डाल, थोड़ा दम देती हूँ, और गरम मसाला डाल, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, नाज़रीन मैं अभी इसे डिश आउट करती हूँ आपके सामने। ये चावलों पे बहुत मज़ा करती है। आगे भी मैंने एक दाल आपको बताई थी मूंग और चने की, तो वो भी बहुत टेस्टी थी। तो ये ज़रा वो तो चलो हम उसको तो खाना था रोटी के साथ, तो इसको चावलों के साथ लाजमी आप खाएं। हाज़रीन मैं अभी इसका तड़का लगाती हूँ, ऑयल डाला, ठीक है, ऑयल में हमने डाला सब्ज मिर्चें और कुटा हुआ लहसुन, ये देखें ब्राउन हो गया। इस मौके पे मैं डालूंगी देसी घी,
बहुत ही थोड़ा हम लोग खाते हैं, तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा है। ये लाजमी है, ये इसका तड़का लगाना है। कितनी मज़े की शक्ल है, और इसके तो नाजरीन हमारी डिश तैयार होगी। दाल चावल, माश की काली दाल और वाइट राइस, तो दोनों को एंजॉय करें। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा प्लीज़, और फेसबुक पेज को लाइक करें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, इंस्टा को भी फॉलो करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आपको रोज़ाना नज़र आए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी एक दूसरे के बग़ैर कुछ भी नहीं है, इंसानियत के बग़ैर, चाहे वो हमारे मुल्क का हो या बैनुल अक़वामी हो, बाहर के हों, उनसे भी हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं बाहर के मुल्कों में गई हूँ तो उन लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया था। यकीन करें कि गाड़ी में बैठते ही वो यंग लड़के, हालांकि मैंने सुना है कि वह नहीं उठते, तो वो एकदम खड़े हो गए और मुझे बैठने की जगह दे दी। तो हमें एक दूसरे का इंसानियत के लिहाज से एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।